आज हमारे लिए एक स्पेशल डे है, बहुत कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। मम्मा चलो फिर से जाएंगे, फिर से लड़ाई शुरू। एक तरफ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी, और दूसरी तरफ से मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक ही होंगे। आज है 9 फरवरी और आज सुमन भी छुट्टी लिए है, तो आज हमारे लिए बहुत ही स्पेशल एक डे है। और नहीं, किसी का बर्थडे नहीं है, कोई मैरिज एनिवर्सरी वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अलग ही एक चीज आज होने वाला है। हमारे हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल है आज का दिन, और आज बुधवार भी है। तो चलिए ब्लॉग को देखते रहिए, और बहुत कुछ मजेदार इंटरेस्टिंग होने वाला है, और कुछ ही देर में आप लोगों को पता चल जाएगा सब कुछ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड। मम्मा चलो ब्रश करना है। यू आर बैड गर्ल और गुड गर्ल और बैड गर्ल बोलो। मम्मा Let's go for brush. No. Brush your teeth. No. Yes. थोड़ी देर और रुक जाइए और पेशेंस रखिए, हम लोग कहाँ जा रहे हैं अभी पता चल जाएगा। भैया सब हिसाब गर्नु छ रे एकैचोटि। हुन्छ, कति हुन्छ भने ट्यूशन भी दो बार है ना सर? ट्यूशन भी दो है। ए दिखे सो न्यू स्वेटर, ए न्यू स्वेटर मामा, न्यू स्वेटर, न्यू स्वेटर ऐसो। तो अभी तक तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि हम लोग कहाँ आए हैं। एक्चुअली आज मेरी बेटी का एडमिशन है, और हम सब मिलकर जाए हैं इसको भर्ती करने के लिए। अभी इसका ड्रेस का, स्कूल यूनिफॉर्म का बंदोबस्त नहीं हुआ, वही लेने जा रहे हैं। Yes. Shirt दो पीस नीचे। बाईस। Shirt दो पीस नीचे। Shirt दो तो। इधर तो shirt। कॉफी की नॉन ऑफ़ नहीं। एक करेंगे। हाँ ना सही तो।
हम लोग स्कूल से सीधा निकल के रानीपुल चले गए थे। इसका यूनिफॉर्म वगैरह आज ही खरीद लिया और भी कुछ कुछ सामान बाकी रह गया इसके लिए खरीदने के लिए, वो परसों या संडे जाके खरीद लेंगे। कल जाना है स्कूल बस हाफन आवर के लिए, उसके बाद मंडे से स्कूल लगेगा और स्कूल चालू होगा और मंडे संडे जाके शायद बाकी का जो सामान खरीदना है संडे जाके खरीद लेंगे। ए गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल ब्लॉग को मैं पूरा खत्म नहीं कर पाई थी क्योंकि घर में आके बहुत काम था। इसका कॉपी और किताब जितना भी स्कूल से बुक्स वगैरह मिला है सब में कवर लगाना था और बहुत सारी चीजों का तैयारी करनी थी। तो आज मेरी बेटी प्रॉपरली स्कूल जा रही है और ये इसकी फर्स्ट डे है और ये उठने के लिए नहीं मान रही थी और मैं इतना खींचा था निकालने के बाद। मेरी राजकुमारी अभी उठी है, आज मेरी राजकुमारी फर्स्ट टाइम स्कूल जा रही है। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद में आपसे बात करती हूँ। ओरे बाबा, मम्मा इज रेडी, मम्मा इज रेडी। मैडम जी का स्कूल छुट्टी हो गया और मैडम जी इतना रोई थी, इतना रोई अंदर जाके, इतना रोई और रोते रोते वॉमिट भी कर दी। बोल रही है कि कल से नहीं आएंगे, लेकिन स्कूल आना तो पड़ेगा ही है ना। तो अभी के लिए घर जा रहे हैं और फिर वापस कल स्कूल लेके आना पड़ेगा इसको, नहीं तो इसका आदत नहीं होगा ना। तो चलिए घर जाके बात करते हैं। आज तो आधे घंटे के लिए हम लोग गए थे तो कल फिर से जाना पड़ेगा, शायद थोड़ा थोड़ा करके टाइम एक्सटेंड होगा वहाँ पे। और टीचर्स बोल रहे थे कि रोज लेके आइए, नहीं तो इसका आदत नहीं होगा स्कूल आने की और स्कूल में रहने की। तो कल फिर से जाएंगे, फिर से लड़ाई शुरू। और सुबह से आज थोड़ा लेट से भी उठे थे और घर का काम भी बहुत सारा बाकी रह गया है। तो घर तो मेरा पूरा बिखरा पड़ा है, सब कुछ ठीक करना पड़ेगा, सब कुछ मिलाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। और ये मैडम तो स्कूल में रहने के लिए नहीं मान रही थी लेकिन यहाँ आके कार्टून लेके बैठ गई। थोड़ी देर पहले दूध भी पी, उसके बाद एक चॉकलेट खाई और अभी कार्टून लेके बैठ गई है। बोल रही है कि मैं मम्मा के पास रहूंगी, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अभी बोलिए क्या बोलूँ, इसको कुछ बोलने वाला तो कुछ है ही नहीं। तो कल फिर से हम फाइट करना चालू होगा, फिर से इसको स्कूल लेके जाने की लड़ाई। मेरा एक नया जिंदगी शुरू हो गया, जैसे लग रहा है कि मेरा एक नया ड्यूटी शुरू हो गया कि सुबह उठ के घर का काम, लंच टिफिन वगैरह रेडी करो, उसके बाद जल्दी जल्दी बेटी को रेडी करके उसको स्कूल भेजना। और एक तरफ से मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी मिल रही थी कि मेरी बेटी आज से स्कूल जाएगी और कितना बड़ी हो गई है मेरी बेटी। और दूसरी तरफ से मुझे थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा था, रोना भी आ रहा था, खास करके जब वो स्कूल उसको मतलब क्लास में एंटर होने के बाद वो बहुत ज्यादा रो रही थी। तो उस टाइम मुझे ही रोना आ रहा था, मेरे आंख में आंसू आ गया था। दूसरे जो मम्मीज जो उधर खड़े थे सब लोग मुझे समझा रहे थे कि ऐसे मतलब सब बच्चे ऐसे करते हैं शुरू शुरू में, तो लेकिन माँ का मन समझ ही सकते हैं। और मुझे बहुत दूसरी तरफ से मुझे थोड़ा थोड़ा रोना इसलिए भी आ रहा है कि मेरी बेटी आज तो 9 से 9:30 तक था और सोमवार से मंडे से 9 to 12 मतलब 3 घंटा वो मुझसे दूर रहेगी, मुझसे मैं उसको नहीं देख पाऊंगी, वो अंदर ही रहेगी। तो ये सोच के थोड़ा, तो चलिए ये तो होता ही रहता है, ये तो जितना भी मम्मीज है दुनिया में, जितना भी मम्मी लोग हैं वो ऐसे ही बचपना भरा बातें करते रहते मेरे जैसे। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ऐसे ही चलेगा। चलिए और तो कुछ है नहीं बोलने के लिए, तो अभी के लिए ब्लॉग को तो ख़त्म करना पड़ेगा। और पता नहीं आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और साइड में रखा हुआ एक छोटा सा बेल आइकन है उसको टैप कर दीजिए, उसको दबा दीजिए, नोटिफिकेशन जो मेरे वीडियो का है सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलिए आज के लिए
मैं बोलूंगी टाटा, लव यू ऑल।